हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क 2022। आप सभी को पता है जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट हैं अभी आपके लिए जो सबसे पहला एग्जाम आने वाला है वो आरआरबी का ही आने वाला है, क्योंकि इसके डेट्स वगैरह आपके पास डिक्लेयर हो चुके हैं कि कब कब आपका पेपर होना है। तो सबसे पहला अगर एग्जाम आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क है तो क्यों ना एक स्ट्रैटेजी देख लीजिए इस पे कि किस तरीके से आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क को बचे हुए कुछ 60-62 दिनों में, जितने भी टाइम आपके पास बचे हुए लास्ट के 60 से 70 डेज, उसको कैसे यूटिलाइज करके आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और एक तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि आपका एग्जाम आईबीपीएस नहीं ले रहा होगा, एनआरएसईईटी के अंदर आपका पेपर आ रहा होगा। तो जब सीईटी के अंदर ही पेपर आएगा तो क्यों ना उससे पहले जितने भी एग्जाम्स में आप प्रिपेयर हो रहे हो, जितने भी एग्जाम्स के लिए आप अपियर हो रहे हो, उसमें से एक एग्जाम क्लियर करके बैठ जाए। और अगर एग्जाम क्लियर करने के बारे में बात होती है तो आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि सर इंग्लिश का सेक्शन बहुत वीक है मेरा, या फिर इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। तो जितने भी एस्पायरेंट के ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश प्रॉब्लम है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में स्कोर नहीं जा रहा है, या फिर इंग्लिश की वजह से आप कहीं ना कहीं फेल्ड हो रहे हो, तो आरआरबी एग्जाम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका लेके आता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश है ही नहीं। तो इस सेशन में आपके साथ एक एक करके सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि लास्ट ईयर आपका पैटर्न क्या क्या था, लास्ट ईयर के एग्जाम में किस सेक्शंस में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कटअप भी एनालाइज कर लेंगे, इस बार के एग्जाम के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो बढ़ते सेशन में आगे, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सेशन को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो इसको 1.5x 2x पे देख लेना। सबसे पहले जो 2022 का जो कैलेंडर आया था आईबीपीएस का, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए गिवन थी, तो मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ कि आरआरबी पीओ का कट ऑफ क्या जा सकता है, एग्जाम डेट्स क्या क्या आप पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हो कि इसमें उस नोटिफिकेशन के डेट आ सकता है। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वैकेंसी के लिए आईबीपीएस ने कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, और उसमें मेंशन किया था कि जो आपका एग्जाम होगा वो किस डेट पे हो रहा होगा, 7, 13, 14, 20 और 21 अगस्त को आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का पेपर होगा। देन आपका मेंस का भी डेट दिया हुआ था 24 सितंबर को आपका ऑफिसर स्केल 1 या फिर जिसको आप पीओ बोलते हो उसका पेपर हो रहा होगा। देन ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो आप आरआरबी क्लर्क बोलते हो 1 अक्टूबर को, और हर साल 1 जनवरी को आरआरबी अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करता है। ये तो आपका नोटिफिकेशन जो कैलेंडर आया था इसके अकॉर्डिंग है। एज सुन एज नोटिफिकेशन आ जाएगा सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स में गिवन होंगी। फिलहाल के लिए अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या सेक्शन कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टॉपिक से, कितना टाइम गिवन होता है, हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक सेक्शन से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि दो ही आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग एबिलिटी से भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के, एज वेल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 40 नंबर के। दैट मीन्स टोटल आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो रहा होगा, 80। कितने में क्वेश्चन कितने नंबर के, 80 नंबर के। दैट मीन्स आरआरबी आपका 80 नंबर का पेपर लेगा 80 क्वेश्चन के साथ, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती कहीं पे भी, आपका कंपोजिट टाइम होता है कि 45 मिनट में आपको ये 80 क्वेश्चंस बनाना है। इट इज़ अप टू यू कि आप पहले क्वांट बनाते हो, आप पहले रीजनिंग बनाते हो, आप 45 मिनट में से 25 मिनट क्वांट को दे दो, 20 मिनट रीजनिंग को दे रहे हो, या फिर 30 मिनट रीजनिंग को देके 15 मिनट क्वांट को दे रहे हो, दैट इज़ अप टू यू। ये 45 मिनट का कंपाइलेशन होता है, आपको 45 मिनट के अंदर अंदर टोटल 80 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ये तो था प्रीलिम्स का। अब देखो मेंस में क्या होता है, मेंस में आपके पास आते कितने सब्जेक्ट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, दोनों ही नहीं आएगा, या तो इंग्लिश आएगा या हिंदी आएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इंग्लिश हिंदी जो भी आएगा वो आप पे डिपेंड करेगा, आप इंग्लिश चूज कर रहे हो या आप हिंदी चूज कर रहे हो। तो मान लो 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5। रीजनिंग कंपलसरी आएगा ही आएगा, कंप्यूटर आएगा ही आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस या जिसको आप जनरल अवेयरनेस बोलते हो वो आएगा ही आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा। तो चूज करना अब आपको है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर रहे हो या हिंदी लैंग्वेज चूज कर रहे हो, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन एज अ सब्जेक्ट।
एग्जामिनेशन में आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी स्विच कर सकते हो, या तो इंग्लिश को हिंदी में स्विच कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश, वो आपको पहले एग्जाम से पहले चूज करना होता है कि आप किन दो लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को देखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कितने नंबर का, 50 नंबर का। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो दो दो नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन कितने नंबर के, 20 नंबर के। मतलब हर एक क्वेश्चन 0.5 का आपको यहाँ पे मिलता है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर। इसके बाद इस दोनों में से आप जो भी चूज करोगे, या हिंदी या इंग्लिश, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। एंड देन अगेन क्वांट में भी आपको रीजनिंग की तरह देखने को मिलता है, 40 क्वेश्चन मिलते हैं 50 नंबर के। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी होंगे जो दो नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएगा, कितने नंबर का, 200 नंबर का। और इसमें भी आपको एक कंपोजिट टाइम ही दिया जाता है, कितना, 120 मिनट्स, या फिर आप जिसको 2 घंटे बोलते हो। तो 2 घंटे में आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना होता है। अब अगर आप बात कर लोगे कि प्रीलिम्स का कट ऑफ और मेंस का कट ऑफ, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्री का कट ऑफ, अगर आप आरआरबी पीओ की बात करोगे तो ये 50-60 के बीच में आपका वैरी करता है हर साल। और आप इसको अगर आप चाहो तो एवरेज अगर कंसिडर करोगे तो इट विल बी अराउंड 55 के अराउंड। कुछ स्टेट का 50, कुछ का 52, कुछ का 56, कुछ का 58, कुछ का 60 के आसपास जाता है। तो हम एक एवरेज ले रहे हैं कितना, 55। ये था प्री का। मेंस का कितना चला जाएगा फिर, मेंस का आपको देखने को मिलता है 85-100। मेंस में आपको कुछ स्टेट में 85 से स्टार्ट हो गया, 100 तक कट ऑफ देखने को मिलता है। तो एवरेज अगर आप इसका भी कंसिडर कर लो तो मैं एक एवरेज ले लेता हूं 95 का, 92-93-94-95, बिटवीन 92-95 आप एक एवरेज कंसिडर कर सकते हो कि ये होता है। वही अगर आप क्लर्क की बात कर रहे होगे तो क्लर्क में यही कट ऑफ आपका 70+ हर स्टेट का देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा स्टेट शायद ही मिल जाए जिसका कट ऑफ 70 से कम हो, नहीं तो 75-76, इवन अगर एग्जाम इजी आ जाता है 79 भी आपका कट ऑफ देखने को मिल जाता है। वही अगर आप मेंस की बात करोगे तो ये भी अराउंड 110 के आसपास आपको घूमता हुआ नजर आएगा, नियर अबाउट 90-110 के बीच में कहीं पे आपको लाई करता हुआ दिखेगा। तो ये आपका कट ऑफ था, इस बेसिस पे आपका स्कोर जनरेट हो रहा है। अब आप देख लो कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपका स्कोर क्या जा रहा है। नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि जो लास्ट ईयर का पेपर आया था ना, उसमें प्रिलिम्स में कितने कितने क्वेश्चन आए थे आरआरबी पीओ के एग्जाम में। अब देखो, सबसे पहले क्वांट की बात कर रहे हैं। देखो क्वांट में 3 टॉपिक आएगा, एक डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था जब मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि स्पीड मैथ्स में या तो अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज आएगा, या अप्रॉक्सीमेशन क्वाड्रेटिक आएगा, या फिर नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक बहुत कम होता है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेशन तो डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। जो पेपर हुआ था 2021 का, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 17 क्वेश्चन। मतलब आप बोल सकते हो कि 3 सेट पूछा गया था, 2 सेट में 6-6 क्वेश्चन हुए होंगे और 1 सेट ऐसा हुआ होगा जिसमें 5 क्वेश्चन हुआ होगा। मतलब 3 सेट में 6-6+5 के एवरेज से आपका क्वेश्चन आया था। अप्रॉक्सीमेशन में 6 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन, और जो बच गया आपका पार्ट वो अर्थमेटिक का 11 क्वेश्चन। अब अर्थमेटिक में भी क्या क्या आया था उसको भी डिस्कस क्यों ना कर ही ले। देखो अर्थमेटिक में आपका आया था परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक इलेक्शन बेस्ड था और एक आपका इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन था, SICI का 2 क्वेश्चन था। SICI का 1 क्वेश्चन था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था फ्रैक्शन वाली वैल्यू का, और एक SICI का डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, एक था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या बता रहा था कि A+B जितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ए उससे 10 दिन ज्यादा ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर A+B 10 दिनों में काम को करेगा मिलके, तो ए अकेले 16 दिन में कर रहा था, बी अकेले कुछ वाइड डेज में कर रहा था, तो मुझे बता दो कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे। इस तरीके का लॉजिक वाला क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। देन आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम,
यहां से भी तीन क्वेश्चन थे, तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से था। आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन था एक, एवरेज से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, एवरेज के क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको गिवन था। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपके गिवन थे लास्ट टू लास्ट वीक, जो 2021 का पेपर आया था। बात कर ले रीजनिंग में भी, रीजनिंग में भी आपको पता है कितने क्वेश्चन आने हैं, 40। और जो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं इंग्लिश में वो क्या है, पजल एंड सिटिंग का। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 22 क्वेश्चन, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कि मिनिमम मिनिमम तीन पजल और दो सिटिंग, तीन तो पजल आने ही आने, दो सिटिंग का आ गया होगा। इनइक्वलिटी 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के 4 क्वेश्चन, सिलॉग्स के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3, वर्ड फॉर्मेशन का 2, और एक क्वेश्चन मिसलेनियस था जो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था, इसलिए मैंने उसको पेयरिंग वाला था, सॉरी ये क्या था आपका पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन था। तो इन इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यही फॉर्मेशन आपका पिछले साल 2020-19-18 चेक कर लो, कुछ एक आध क्वेश्चन कम एक आध क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो पैटर्न तो इतनी है, टॉपिक तो इतनी आएंगे ना आपके। अब बात करते हैं कि तैयारी करें कैसे, उससे पहले मेंस का भी देख लेते कि मेंस में क्या आया था। मेंस में आपको पता है कितने क्वेश्चन आने आपके, 40। मेंस में भी 40 क्वेश्चन आने, जिसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 50। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं कितने, 3, मतलब 3 सेट क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन को होगा फॉर 15 मार्क्स। डेटा सफिशियंसी 5 नंबर का, नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक 13 और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो आपके टोटल 5 थे। तो 15, 5, 20, 13, 5, 18 और 2, 20, टोटल 40 क्वेश्चन आपके मेंस का इधर से बना हुआ था। फिर अगर रीजनिंग की बात करोगे, 17 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पजल, लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी 5, सिलॉग्स 3, रैंकिंग 2, ब्लड रिलेशन 2, लेटर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन का 2 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपका मिसलेनियस का था, कुछ होगा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, वही था ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो मेजर रोल क्या प्ले करता है, पजल सिलॉग्स। अगर आपने ये दो टॉपिक फिक्स कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन देते तो बना तो लेंगे ही लेंगे, तो देखो 17 और 3, 20, मतलब 50% क्वेश्चन आपका मेंस में रीजनिंग का इन्हीं दो टॉपिक से आ रहा था। और अगर आप प्रीलिम्स की बात करोगे तो देखो 22 और 3, 25, अगर 40 में से 25 क्वेश्चन आपके इधर से ही आ रहा है तो देख लो भैया जरा, यहां से भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपको अराउंड कितना 60-62% के आसपास क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दो टॉपिक आपको करने ही करने, इनइक्वलिटी बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, डायरेक्शन वगैरह अगर कॉन्सेप्ट सीख लोगे फिर प्रैक्टिस 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 ही करनी है आपको। अब आ जाते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी, किस लेवल पे जाके आपको तैयारी करनी, क्या क्या चीजों पर आपको टारगेट करना है। डेली टारगेट करना है, सबसे पहले डेली टारगेट दे रहा हूं। और एक चीज बता दूं, 1 जून से आप लोगों के साथ आपके टेलीग्राम चैनल मैथ्स मैजिक पे डेली का एक पीडीएफ जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टारगेट पीडीएफ, जिसका नाम होता है प्रयास। ये प्रयास सीरीज आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए 60 दिनों का चलने वाला है, जिसमें आपको मिनिमम मिनिमम 80-100 क्वेश्चन डेली डेली अर्थमेटिक का देखने को मिल रहा होगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डेली टू डू लिस्ट में आया, फिर आप अगर क्वांट का चेकलिस्ट बात करोगे तो करना क्या है, अप्रोक्सीमेशन 20 क्वेश्चंस डेली का करना है। और अप्रोक्सीमेशन ये नहीं कि पेन लिया एक एक करके नोट कर रहे हैं, कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में कर रहोगे वो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होंगी। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है आपके लिए कि कैसे हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो जिन्होंने नहीं देखा एक बार वहां पे भी जाके आप विजिट कर सकते, देख सकते। देन 20 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सीरीज पिक करना है। अब ये नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन पिक करोगे ना, तो कोशिश करना मिसिंग 10 और रॉन्ग नंबर सीरीज 10, दोनों से 10-10 क्वेश्चंस आपको पिक करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 क्वेश्चंस, मुझे लगता है 20 क्वेश्चन बनाने में अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा। डीआई का 10 सेट लगाना है। लग रहा होगा कि सर 10 सेट कैसे लगाएंगे, लगेगा अगर आप सही से बनाने बैठोगे ना, 10 सेट अगर प्रीलिम्स का बनाओगे तो 1 घंटा मैक्सिमम टाइम है। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, जब आप डीआई बना रहोगे स्टार्टिंग में आपको
5 दिन, फर्स्ट 5 डेज यू जस्ट हैव टू डू कि आपको सिर्फ प्री 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 का बनाना है, 10-10 क्वेश्चन प्रीलिम्स 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 का सेट लगाना है, 10-10 DI का। आफ्टर 5 डेज आपको ये चीजें बाइफरकेट कर देनी है, आपको क्या करना है 8 क्वेश्चन प्री का लगाना है, 2 क्वेश्चन मेंस का लगाना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे से मेंस नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन को टाइप करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करो। क्या होगा, पहले 5 दिन में आपको क्वेश्चन भले ही ना बने, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी धीरे धीरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचना स्टार्ट कर दोगे, और जिस दिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचना स्टार्ट कर दिया, काम खत्म, गेम ओवर, आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस दोनों ही क्लियर कर रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे 8 प्रीलिम्स 2 मेंस। अब जैसे आप 15-20 दिन आपने ऐसे भी प्रैक्टिस कर लिया, आपको ये चीजें और कम करनी है, 8 प्रीलिम्स को आपको लेके जाना 6 प्रीलिम्स पे, 2 DI की जगह 4 मेंस का DI लगाना। जितना मेंस का DI लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये एक घड़ा है ना, ये एक घड़ा है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा। अब मैं इसमें से एक छोटा सा ये वाला जग ले लेता हूं, क्या मैं इस घड़े के पानी से एक जग पानी निकाल सकता हूं? आपका आंसर होगा बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोल दूं कि पहले ये जग भरा हुआ था और मेरे को इस घड़े को पूरा भरना था, क्या आप इसके साथ इसको भर सकते हो, क्या फिल कर सकते हो, इस घड़े को फिल कर सकते हो? नहीं ना। दैट मींस जब आप मेंस का बना रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप साथ साथ प्रीलिम्स भी कवर कर रहे होगे, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स 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 का ही प्रैक्टिस करते रह जाओगे तो मेंस कभी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, और अर्थमेटिक का 30 क्वेश्चन पिक करना है डेली का। अब अर्थमेटिक का कौन सा क्या क्या लेना है देख लो जरा, डेली का आपको एक टॉपिक चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जून से आपने तैयारी स्टार्ट करी तो आपको 1 जून को परसेंटेज लेना है, 30 क्वेश्चन लगाओ, अगर डाउट है उसमें तो उस टॉपिक को तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि डाउट क्लियर ना हो जाए। कितना दिन ले लेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं लेगा ना, 4 दिन दिया, 5वें दिन फिर से 30 क्वेश्चन लगाओ, 30 में से 25 बन गए, वेल एंड गुड, आपका टॉपिक सही जा रहा है। अगले दिन नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, फिर से वही चीज रिपीट करो, अगर 25 क्वेश्चन बन रहा है वेल एंड गुड, नहीं बन रहा है पूरा टॉपिक को कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चले जाओ, 5 दिन 4 दिन जितने दिन आपको लग रहे हैं 2, ऐसा करके आपको डेली एक एक टॉपिक पिक करना है, जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो टाइम देते रहो। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मान लो जब आपने अगर FD ओपन करवाया, आप क्या सोचोगे कि पहले महीने मैंने FD में पैसा डाला था, मेरे पैसे आ जाने चाहिए, सॉरी RD की बात कर रहा हूँ, आपने पहले महीने में RD डाला पैसा आ जाने चाहिए? नहीं, आप 6 महीने का कर रहे हो तो पहले महीने डालोगे, दूसरे महीने डालोगे, तीसरे महीने डालोगे, चौथे महीने डालोगे, तो आफ्टर द 6 मंथ्स यू विल रिसीव अ सर्टेन अमाउंट एज एन इंटरेस्ट। ऐसा तो नहीं कि पहले महीने बोलोगे नहीं मेरे को इंटरेस्ट वापस करो, नहीं मिलेगा ना। तो वही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस में करनी होगी, आप एक बार इन्वेस्ट करो चीज़ों में, कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करो, जितना कॉन्सेप्ट सीखोगे उतना तगड़ा होता जाएगा आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो डेली का एक आपको चूज करना है और तब तक उसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक कि क्लियर ना हो जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका था रीजनिंग में क्या क्या करना चाहिए, सिलॉग्स के 20 क्वेश्चन, फिर से वही बोलूंगा, एक बार किसी भी एजुकेटर को देख लो, आपको जिस भी एजुकेटर की समझ में आती है, अंकुश लांबा सर की आती है, अंकुश लांबा सर की देख लो, या फिर आपको और भी जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं उनकी समझ में आती है उनकी देख लो। मैं रिकमेंड करता हूँ बेसिकली, अगर आप राधे सर या अंकुश लांबा सर की किसी की भी सिलॉग्स और इनइक्वालिटी की वीडियो देख लो, ये 2 वीडियो, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो फिर प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है, डेली का 20 इधर से, डेली का 20, डायरेक्शन डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, एक बार सीख लोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो आपको पढ़ने की जरूरत है ना वो है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, और इसके लिए अगर आप सही में अपना पजल एंड सेटिंग स्ट्रांग करना चाहते हैं तो अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज है, स्टार्टिंग में क्या होगा आप एक दिन में एक ही लेक्चर देख पाओगे ना, उसमें से आप कौन देखोगे सर बना कैसे रहे, पहले 5 दिन आपको एनालाइज करना कि सर बना कैसे रहे, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे। अगर मैं देखूं एक पजल है किस पे फ्लोर बेस्ड, तो सर उसका क्या कॉन्सेप्ट बता रहे,
अगर बॉक्स वाला पजल है उसका क्या बता रहे हैं, फ्लैट फ्लोर वाला पजल है उसका क्या बता रहे हैं, सर्कल वाला पजल है उसका क्या बता रहे हैं, लाइन ग्राफ वाला पजल है उसको कैसे बता रहे हैं। आपको हर पजल का कॉन्सेप्ट सीख लेना है। पहले 5 दिन 10 दिन में आप ये कर लोगे, सर का कॉन्सेप्ट देखो, 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, वीडियो चलानी है, अगर आपके पास PDF है वीडियो चलाओ, क्वेश्चन दिखा, वीडियो पॉज कर दो, अपना पैटर्न लगाओ और देखो कितने टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर प्रिलिम्स का पजल है तो आइडियली ये 3 से 4 मिनट ही लेगा आपसे, है ना। मेंस का लगाओ तो 8 मिनट 7 मिनट 8 मिनट ऐसा करके पजल लेगा। अब आप देखो कि आप कितना कम या कितना ज़्यादा चल रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स आप 3 से 4 मिनट में करके 7 से 8 मिनट में कर रहे हो, दैट मीन्स स्टिल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको क्वेश्चन को समझना सीखना है। और इसमें भी वही चीज़ें हैं, आप जब इसमें 10 सेट लगा रहोगे स्टार्टिंग में, पहले कुछ दिन आप प्रिलिम्स 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 का लगा लो, फिर प्रिलिम्स 8 मेंस 2, धीरे धीरे प्रिलिम्स 6 मेंस 4, ऐसे करके आपको इसमें भी मूव ऑन करना है। और एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन, 25 से 30 क्वेश्चन डेली करोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपने देखा है कि पिछले 3 4 5 सालों में जो पेपर आ रहा है ना, वो इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पे आ रहा है, इससे अलावा बहुत कम एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक टॉपिक ऐसा था जिसको आपने कवर नहीं किया, वो क्या था, लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन आते हैं, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप इसको स्किप कर दो। क्यों? एक तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव लगेगा ये टॉपिक, है ना। जैसे आप क्वांटिटी में एप्टीट्यूड में बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, मेंसुरेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, इवन है नहीं बट आप उसको बोलते हो, एक तो आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव लगेगा, प्लस जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे आपने सीख भी लिया तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप एजम्पशन लगा रहे हो वो 6 में से 6 आपके सही हो जाए, 5 सही होगा, 4 सही होगा, 3 सही होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर एजम्पशन वाला जब क्वेश्चन आता है तो फंस ही जाओगे इसमें। तो बेहतर क्या कि 6 नंबर के लिए अगर 10 नंबर का भी आ जाए तो फिर भी मेरे पास 30 क्वेश्चन है। मैं पजल अगर बना लूँ ना 70 के 70 क्वेश्चन पजल के, तो मेरे 20 22 25 नंबर उधर से आ जाएंगे। और सिलॉक्स इनइक्वालिटी यही है, सिलॉक्स तो पूछ रहे ना, इधर भी रैंकिंग पूछ ही रहा है। तो इन इन क्वेश्चंस को करके आप स्कोर कर सकते हो, रादर देन कि आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो लॉजिकल रीजनिंग पे। वैसे भी आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग आपका प्री में आना नहीं है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स ले लेते ना जो प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं मेंस में भी आ रहे हैं, उसको स्ट्रांग कर लेते। इसलिए मैंने लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अब बात करते हैं कि मेंस में तो और भी टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश के लिए इंग्लिश का मैं अलग से स्ट्रैटेजी बना चुका हूँ आपके लिए। करंट अफेयर्स आता है जिसको आप बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस भी बोलते हो। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा स्टडी IQ, या फिर आप अड्डा 247। स्टडी IQ पे या तो आप देख लो किसको, गौरव वर्की सर की डेली वीडियो देख लो, या फिर अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर की वीडियो आती है आप वो देख लो। डेली का देखो, आज से देखना स्टार्ट करो, ये नहीं कि प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम आपके पास हार्डली 1 से 1 महीने 10 दिन का टाइम के आसपास होता है। अगर आपका पेपर 7 तारीख को भी हो जाता है तो 21 तक जाने के लिए आपका 1 महीना 14 दिन का टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि तैयारी करंट अफेयर्स के भी अभी से आपको कंटिन्यू करनी है। तो ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी कि आप RRBPO के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हो, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, इस स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर एक बार तैयारी करके देखो, आप 10 दिन, बस मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप फर्स्ट 10 डेज इसको फॉलो करके देखो, आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।